जय भारत बच्चा लोग। तो वेक्टर्स के लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल लॉ से फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है ना, कि कैसे दो वेक्टर का हम सम निकालते हैं। ठीक है, अब हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो तुम्हारा फॉर्मूला जो कल तुमने डिराइव किया था ना, वो फॉर्मूला क्या था वो देखो, है ना। तुम्हारा फॉर्मूला था कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास कोई एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसको हम कहते हैं वेक्टर सी, है ना। दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलता है। तुमने इसी सी को क्या नाम दिया था, तुमने रिजल्टेंट का नाम दिया था ना। इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, दो वेक्टर को ऐड करके जो तीसरा वेक्टर आता है वो हमने ट्राइंगल लॉ से बनाना सीखा है। ठीक है, अब इसका एक मैग्नीच्यूड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, सी के मैग्नीच्यूड को ही हमने क्या बोला था कल, हमने बोला था आर। ठीक है, और तुमने इसका फॉर्मूला क्या बोला, ए स्क्वायर, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। सिर्फ ए लिखा मैंने, मतलब मैं सिर्फ ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे ना कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, समझ आए। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो हम पहला स्पेशल केस देख रहे हैं ना, थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री वाले वेक्टर्स देखने में कैसे होंगे, है ना। देखने में कैसे होंगे, बहुत सिंपल बताओ। अगर ये वेक्टर ए इस दिशा में होगा तो जो वेक्टर बी होगा तुम्हारा वो भी इसी दिशा में होगा, है ना। इन दोनों लाइंस को अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ही होगा ना। ठीक है, अगर मैं दो वेक्टर को पैरेलल ड्रॉ करूं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तुम अगर टेल टू टेल रखो, इस बी को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ, तो मुझे बताओ कोई भी एंगल बनेगा क्या ए एंड बी के बीच में, नहीं बनेगा। तो इसीलिए 0 डिग्री वाले वेक्टर्स को ना एक क्या नाम दिया गया, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, जो 0 डिग्री वाले वेक्टर हैं उनको बोला गया पैरेलल वेक्टर्स। मतलब पैरेलल वेक्टर्स मीन्स उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर, पैरेलल लाइंस के बीच में भी एंगल 0 डिग्री होता है, ये तुम्हें पहले से मालूम है। ठीक है, लेकिन इसका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा ना। देखो क्या, यदि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब वो पैरेलल है या फिर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो ना, मुझे बताओ अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू 0 डाल दूँ तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब ये जो टर्म है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा की वैल्यू कितनी, 1। तो 2ab * 1 कितना हो जाएगा, 2ab। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ना, क्या वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और अब इसका तुम क्या करोगे, रूट। बोलो स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 मिलेगा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी सिर्फ। समझ आई बात। मतलब अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 है और बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 6 है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब कितना, सी का मैग्नीट्यूड, है ना, या फिर रिजल्टेंट की वैल्यू। तो कितना आएगा, सीधा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब कितना, 11, है ना। अगर तुम इसमें से वेक्टर सी ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे वेक्टर सी, तुम वेक्टर सी ड्रॉ करोगे इसी दिशा में आएगा वो। ठीक है, उसका डायरेक्शन तो खैर हम फाइंड करना सीखेंगे बाद में, बट मेन पॉइंट क्या है कि 5 + 6 की वैल्यू क्या आएगी, 11। तो अब यहाँ तुम्हें समझ आया ना कि सर स्केलर में तो 5 + 6 हमेशा 11 होता था, आपने बोला सर वेक्टर में हमेशा तो नहीं होगा, लेकिन एक स्पेशल केस में होगा। कौन सा स्पेशल केस, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब। यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो तुम रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सम होगा।
समझ आई बात सभी को? तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और ये हम कई बार यूज़ करेंगे ना, तुम्हें ये बात याद ही रहे, याद हो ही जाएगी। अब सेकेंड केस क्या है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो जब थीटा 90 डिग्री होता है ना, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। लेकिन अब कई बुक्स में उसके लिए दो वर्ड और यूज़ किया जाता है, ऑर्थोगोनल और नॉर्मल। ये सब 90 डिग्री वाले ही का मीनिंग है, समझ आया? ऑर्थोगोनल हो नॉर्मल हो, इसका मतलब कैसा है वो, 90 डिग्री, समझ आया? तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या होगा, चलो और देखते हैं। ठीक है, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी को ऐड करके, जिसको कि हम आर कह रहे हैं, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करके जो वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री है ना, का अंडर रूट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पहले वाला हमने क्या केस डील किया, इसके हेडिंग में तुम क्या लिखोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। ये कौन सा केस था, थीटा 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। अब हम कौन सा केस डील कर रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं या फिर नॉर्मल हैं। ठीक है, नॉर्मल का मीनिंग यहाँ पे मैथ्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कैसे होंगे परपेंडिकुलर वेक्टर, फॉर्मूले में तो हम डालेंगे, कॉस 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, कोई डाउट नहीं, बट परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे कैसे, है ना। अगर एक वेक्टर तुम्हारा ऐसा है, वेक्टर ए, तो जो दूसरा वेक्टर होगा तुम्हारा वो ऐसा होगा, वेक्टर बी, सच दैट इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो क्या करना, बी को उठा के यहाँ ले आओ, है ना, उठा के रख सकते हैं ना, यहाँ पे जितना एंगल आया दोनों के बीच में, टेल टू टेल रखा मैंने, तो एंगल वही होता है ना, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, दोनों कहीं भी हो, दोनों को टेल टू टेल रख दो, एंगल पता चल जाएगा तुम्हें, क्लियर। तो ये फॉर्मूला कितना कैसा बनेगा ना, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये लास्ट वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो ये क्या हुआ है ना, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट जो तुम्हारा बनेगा, अगर मैं इसको ट्रायंगल लॉ के तरीके से लिखूं, है ना, देखो ध्यान से, ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेक्टर ए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो वेक्टर ए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है ए। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वेक्टर बी, अगर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से लिखना है तो ऐसा हेड टू टेल रखना पड़ेगा मुझे, मैग्नीट्यूड बी और ये वेक्टर बी। तो मुझे बताओ, तुम यहाँ से चालू किया, तुम यहाँ गए और फिर यहाँ पहुँच गए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये होगा ना वेक्टर सी। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका बी है, तो जो सी का मैग्नीट्यूड है ना, और ये एंगल मेरा 90 डिग्री, हेड टू टेल रखोगे तो थीटा यहाँ पे लोगे ना, इसको एक्सटेंड करोगे, इधर तुम्हारा थीटा आएगा, ये भी 90 है, अगर वो 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुमने कितना निकाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, ये बिल्कुल पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम टाइप ही हो गया, है ना। तो जब 90 डिग्री पे वेक्टर होंगे तो अपना पुराना पाइथागोरस थ्योरम ही हमारा साथ देगा, क्लियर। तो ये कैसे वेक्टर कहलाते हैं, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल और नॉर्मल, क्लियर। अब एक तीसरा टर्म है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या है, एंटी पैरेलल का मीनिंग है कि जो एंगल होगा इनके बीच में वो होगा 180 डिग्रीज। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्रीज। तो थर्ड केस हमारा है ना, मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली, थर्ड केस को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा हमारा, अगर थीटा 180 है, तो याद करो
फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, है ना, फॉर्मूला क्या था। एक काम करते हैं, थर्ड केस को हम लोग पूरा इंडिपेंडेंटली बनाते हैं, ठीक है, पूरा इंडिपेंडेंटली करते हैं। चलो थर्ड केस है ना, ये मेरा थर्ड केस क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो क्या करेंगे देखो ना, मुझे बताओ वेक्टर्स कैसे दिखेंगे। अगर ये वेक्टर ए है तो जो वेक्टर बी होगा वो पूरा इससे ऑपोजिट होना चाहिए ना। जब तुम इन दोनों को टेल टू टेल रख दोगे तो जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा ना, समझ आया। तो अगर ऐसे वेक्टर है, ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना, कैसे वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनाते हैं, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जिसको हम रिजल्टेंट कह रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। और याद करो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बोला था कि cos 180 डिग्री का वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा cos 180 डिग्री का वैल्यू, -1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 का अंडर रूट। तो बोलो क्या ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गई। अब क्या ये रूट के अंदर जो टर्म है, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो बोलो जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो पावर कितना बचेगा, 1। तो क्या ये टर्म a माइनस बी के बराबर हो गया, रिजल्टेंट की वैल्यू। इसका मतलब यदि दो वेक्टर बिल्कुल ऐसे उल्टे हों एक दूसरे से तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन से आएगा, समझ आई बात। अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 है और बी का मैग्नीट्यूड 3 है तो जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 माइनस 3 2, है ना। जो रिजल्टेंट आएगा तुम्हारा वेक्टर सी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2, है ना, आर इक्वल टू 2, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो रिजल्टेंट है, समझ आया सभी को। तो तीन स्पेशल केस हमने पढ़े, यदि दो वेक्टर सेम दिशा में है, 5 प्लस 6 11, 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम, उल्टे हैं तो माइनस कर दोगे दोनों को। अब रिजल्टेंट की दिशा मुझे कैसे पता राइट होगा, वो तो मैंने ट्रायंगल बनाया नहीं, और ऑब्वियस सी बात है अगर दो लाइन ऐसे हैं तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता ना। ट्रायंगल में दो एंगल के बीच में 180 डिग्री हो सकता है, वहां तो तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो यहाँ ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता। तो सर आपको कैसे पता चला रिजल्टेंट इधर बनेगा, रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर की दिशा में बनेगा, सीधी सी बात है, 5 बड़ा है, अगर ये 5 होता और ये 3 होता तो रिजल्टेंट पीछे बनता, समझ आया। यदि ये 5 होता और ये 3 होता तो रिजल्टेंट पीछे बनता, बट मैग्नीट्यूड अभी भी कितना होता, 2, उसको तुम -2 नहीं लिखते, याद रखना, अगर वो पीछे होता तो तुम उसे 2 ही लिखते। क्यों 2 लिखते तुम, क्योंकि ये रिजल्टेंट है ना, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम किसी चीज का, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मॉड साइन मैंने तुमको बोला था ना, ऐसा साइन मतलब क्या, मैग्नीट्यूड निकाल। तो ऐसा नहीं करना कि तुम अगर इसको मैं 3 कर दूं और इसको 5 कर दूं, है ना, ए को मैं 3 कर दूं और बी को 5 कर दूं, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 नहीं लिखना, क्योंकि ये तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहा है ना किसी चीज का, जिस आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड अभी भी 2 होगा। दिशा कैसे पता चलेगा तुम्हें, ये बड़ा होगा तो लेफ्ट साइड, ये छोटा होगा तो राइट साइड, और ये बड़ा होगा तो राइट साइड, और ये बड़ा होगा तो लेफ्ट साइड। एक एग्जाम्पल और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि ये मान लो इधर 10 है, ठीक है, वेक्टर बी इधर 10 है और वेक्टर ए इस दिशा में है, और मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो जब तुम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करोगे जो कि वेक्टर सी आएगा, वो कैसा बनेगा, ए तो पॉजिटिव है 4 और ये बी उसके इस तरफ पीछे, तो जब ये दोनों का एडिशन आएगा वो पीछे की दिशा में आएगा, है ना, पीछे की दिशा में आएगा वेक्टर सी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम 6 ही लिखोगे, वो तुम 4 माइनस 10 माइनस 6 नहीं लिखोगे, समझ आई बात। देखो तुम मुझे दोनों पता चल गया ना, मुझे तो इतना ही पता चलना था ना, उसका मैग्नीट्यूड पता चलना था और डायरेक्शन पता चलना था, देखो पता चल गया, है ना, मैग्नीट्यूड 6 है और दिशा किधर है, पीछे की तरफ, क्लियर सभी को ये। तो ये तुम्हारे तीन स्पेशल केस हैं, ठीक है।
जो कि हम काफी यूज करेंगे ना थ्रू आउट वेक्टर चैप्टर। बहुत देखो ना, तुमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उससे तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तू सोचो अगर यार एक लॉ और आ गया है ना, लेकिन इसमें मस्त बात क्या है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले, फिर उधर जो लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें लाइन वाइज बताऊंगा कैसे लिखना है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि यदि हमारे पास एक वेक्टर ए मान लो ऐसा है, यहाँ पे स्मॉल ए से लिखा हुआ है ना, तुम कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मान लो एक दूसरा वेक्टर बी ऐसा है, ठीक है, तो क्या बोलता है कि दोनों को सबसे पहले टेल टू टेल रख लो, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसा रख लो, टेल टू टेल। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं वेक्टर ए ऐसा ले लूंगा और वेक्टर बी ऐसा ले लूंगा, ठीक है। कैसे रख दिया मैंने, टेल टू टेल। तो वो क्या बोल रहा है कि यदि तुम इससे ना एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगा, तुम बी से पैरेलल एक लाइन बनाओगे ऐसा, ठीक है, और तुम सॉरी ए लाइन मैंने कैसे बनाई, ए से पैरेलल, और एक लाइन तुम बनाओगे ऐसा बी से पैरेलल। तो बताओ ये जो शेप मेरा बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, ठीक है। बीच में जो वो पार्ट अपना बना है उसे इरेज कर लेता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, ठीक है, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हम वेक्टर सी कह रहे हैं, या फिर ए और बी का रिजल्टेंट। ये है पैरेललोग्राम। लो सर अब तक ट्रायंगल था, अभी पैरेललोग्राम भी आ गया, कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। इस डायग्राम में तुम देखो और उस डायग्राम में इधर भी देखते हैं, मुझे बताओ यदि मैंने ए और बी को टेल टू टेल ना रख के हेड टू टेल रखा होता तो कैसे रखता मैं, है ना। यदि मैं हेड टू टेल रखता तो मैं ए ऐसे रखता और बी ऐसे रखता ना, तो रिजल्टेंट मेरा कौन सा लाइन होता, रिजल्टेंट मेरा ये लाइन होता। मुझे बताओ मैंने उसे जब हेड टू टेल रखा और जब टेल टू टेल रखा, ये हेड टू टेल ट्रायंगल लॉ, टेल टू टेल पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में कैसे रखना था, हेड टू टेल। देखो हेड टू टेल रखा ना मैंने ए और बी को, हेड टू टेल ऐसे ही रखा जाता है, और पैरेललोग्राम में ए और बी को मैंने कैसे रखा, टेल टू टेल। तुम ध्यान से देखो दोनों डायग्राम को, दोनों में रिजल्टेंट सेम ही है ना, दोनों में रिजल्टेंट वही वाली लाइन है, सेम टू सेम। अगर मैं बी को यहां ना रख के अगर मैं बी को यहां रखता तो मुझे बताओ वही लॉ ट्रायंगल लॉ बन जाता ना, समझ आया। इसका मतलब जब तुम हेड टू टेल बनाते हो दो साइड को तो वही रिजल्टेंट मिलेगा, टेल टू टेल बनाओगे तो वही रिजल्टेंट मिलेगा, क्योंकि इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बन रहा है इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ कहते थे। इस डायग्राम में क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ कह रहे हैं, बट उससे रिजल्टेंट नहीं बदलेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिर्फ उस लॉ का नाम अलग है, क्लियर, ठीक है। क्यों पढ़ाते हैं सर ये सब पता नहीं, अलग अलग लॉ, ठीक है। क्या यूज आएगा अलग से पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने का, वो तुम्हें आगे अभी जस्ट पता चल जाएगा ना ये कितने काम का लॉ है। बट अच्छी बात क्या है कि ये रिजल्टेंट का तुम्हें नया फॉर्मूला याद नहीं करना, जब वही रिजल्टेंट बन रहा है। देखो दिशा भी वही है ना, सेम डायरेक्शन, बी यहां रखो या यहां रखो, और मैग्नीट्यूड भी सेम बनेगा, है ना, क्योंकि देखो यहां जितना बी का लेंथ है उतना ही बी का लेंथ यहां भी होगा ना। तो जब तुम पैरेललोग्राम बनाओ या फिर जब तुम ट्रायंगल बनाओ, दोनों केस में वो लेंथ भी सेम बनेगा और डायरेक्शन भी सेम बनेगा, किसका, रिजल्टेंट का। इसीलिए यहाँ कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अभी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वही होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर। तुम्हें क्या पॉइंट लिखना है, तुम्हें इस पॉइंट पे दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या लिखनी है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट सेम रहता है। ट्रायंगल, सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, ट्रायंगल लॉ में हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हेड टू टेल, और पैरेललोग्राम लॉ में क्योंकि हम टेल टू टेल रखते हैं इसीलिए क्या फिगर बन के आता है, पैरेललोग्राम। इतना ही लिखोगे। अब ये पैरेललोग्राम कैसे बनता है वो यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज लिखा हुआ है। दो वेक्टर को ऐसा रखो ताकि उनके टेल को इंसाइड करें। तो तुम सोचो मैंने जितने भी एग्जाम्पल तुम्हें कराए थे ना फाइंड एंगल बिटवीन और रिजल्टेंट वाले, उनमें सब में याद करो मैंने ना एक ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना, मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया था
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और मैं बार बार टेल टू टेल रख रहा था। इसका मतलब इन सारे एग्जाम्पल में ना हम पैरलोग्राम लॉ अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, पैरलोग्राम लॉ अप्लाई करने का मतलब क्या कि रिजल्टेंट ऐसा बनाओ ताकि वो पैरलोग्राम का क्या बन जाए, डायगोनल। एक करके देखते हैं एग्जाम्पल ना, देखो स्टेप वाइज वो क्या कह रहा है। मान लो एक वेक्टर तुम्हारा ऐसा है, इसको वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर बी है लेट अस से, ये कहीं भी रखे हुए हैं ना। तुम्हें क्या करना है, पहले इन दोनों को टेल टू टेल रखना है। कीप टू वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स कोइंसाइड। आओ करते हैं, तो स्मॉल ए लिखूं कैपिटल ए लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तुम मत सोचना कि सर एक डिफरेंस ये भी है कि ट्रायंगल लॉ में आप कैपिटल लिख रहे थे, आप स्मॉल लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना। सिर्फ ऊपर में ये साइन होना चाहिए ना, ये एरो मारने की आदत डालो, जैसे मंदिर जाने के पहले नहाते हो ना, है ना, वैसे ही ये एरो डालेंगे। नहीं तो वेक्टर की दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों परिवार के सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को तुम इज्जत नहीं दोगे तो वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। समझ आई बात? ठीक है, अभी शुरू शुरू में तुम देखते होगे ना, ऐसा होता होगा कि जब तुम लिख रहे हो तुम एरो मारना भूल जाते होगे, बट ये बहुत जरूरी है बताना कि तुम जिसके बारे में लिख रहे हो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। क्लियर? अब देखो वो क्या कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ पैरेलल वेक्टर्स टू बोथ ऑफ देम, कंसिडरिंग बोथ ऑफ देम एज साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब मुझे यहाँ से ना पैरेलल लाइंस खींचनी है, ए से भी पैरेलल और बी से भी पैरेलल। तो मैं ए से पैरेलल जो लाइन खींचूंगा वो लाइन ऐसी बनेगी, और बी से पैरेलल जो लाइन खींचूंगा वो लाइन ऐसी बनेगी। बोलो ये पैरेललोग्राम बन गया ना एक, ठीक है। देन द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर टेल्स कोइंसाइड। डायगोनल कहाँ से ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से जहां दोनों टेल तुमने मिलाए हैं टेल टू टेल। बोलो वो ये पॉइंट है ना, इसका मतलब डायगोनल यहां से ड्रॉ होगा, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल मैं ये लूंगा। दूसरा डायगोनल लेने में क्या प्रॉब्लम है सर? तो याद करो पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल का लेंथ अलग अलग होता है, तो अगर तुमने अगर गलती से ये डायगोनल ले लिया ना तो जो दूसरा वाला डायगोनल होता है यहां से यहां तक, तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। समझ आई बात? तुम्हें वही डायगोनल ड्रॉ करना है जो कहां से बन रहा है, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टेल्स कोइंसाइड। नहीं तो तुम्हें अगर लेंथ भी, तुम सोचो लेंथ भी गलत मिल जाएगी तुम्हें, ये लेंथ और ये लेंथ अलग होता है ना, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल का लेंथ अलग होता है, ठीक है, और तुम्हें दिशा भी गलत मिल जाएगी, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए ना। जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सही होने चाहिए, क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है और परिवार के दोनों सदस्यों का सेम इंपॉर्टेंस है ना, ऐसा नहीं कि एक का ज्यादा एक का कम। समझ आई बात? तो वो तुम्हारा रिजल्टेंट कहलाएगा। टेल ऑफ रिजल्टेंट इज एट द पॉइंट वेयर टू वेक्टर्स कोइंसाइड, ये पॉइंट फिर से लिखी यहाँ पे ना उसने, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चलो, है ना। ठीक है, लेट अस से ये कोई भी एक वेक्टर है ए, और ये कोई भी एक वेक्टर है बी। मैंने अपने मन से कर दिया। क्या क्या स्टेप करना है? दोनों को टेल टू टेल रखते हैं। बोलो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, रख दिया टेल टू टेल। अब दोनों से पैरेलल लाइन खींचो। बोलो ये बना दिया ना मैंने पैरेललोग्राम। अब डायगोनल कौन सा होगा तुम्हारा, जहां दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका हुआ। क्लियर ये बात सभी को? कैसे हम पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट दिखाते हैं, इसके पहले तुमने ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट दिखाना सीखा था। ठीक है, आओ पैरेललोग्राम लॉ के का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, देखो का खेल है ना इसका। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, क्या रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है? हाँ, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके दोनों डायगोनल्स सेम लेंथ के होते हैं, है ना। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं और जो उसका कॉर्नर वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। समझ आई बात? तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं यहाँ ए और बी खोलूँ, बोलो इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ बी है, मैं रेक्टेंगल वाली बात मैंने क्या बोली वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है, टेल टू टेल रखना था, रख दिया मैंने। इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, है ना, इधर से एक पैरेलल लाइन खींचो,
इधर से एक पैरेलल लाइन खींचो, रिजल्टेंट कौन सा बनेगा? जहां दोनों के टेल मिल रहे हैं वो डायगोनल, तो दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हम वेक्टर सी बोल रहे हैं, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हम बोल रहे हैं तब से आर रिजल्टेंट का। तो वहां पे सिर्फ सी भी लिख सकता है ना, अभी तुम्हें पता चल रहा होगा कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हम सिर्फ सी भी लिख सकते हैं। मैं उसको पहले लेक्चर में मैंने आर लिखा था, तो मैं अभी भी आर लिख रहा हूँ, तुम किस लेटर से उसको लिख रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता। तो ये मीनिंग बताना चाहिए वो क्या है ना, वो रिजल्टेंट है। क्लियर? अब रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर वेक्टर का दिशा क्या होगा? बोलो, बिल्कुल ऐसे होगा ना। यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, रिजल्टेंट इज मोर टूवर्ड्स लार्जर वेक्टर, मतलब जिस दिशा में वेक्टर बड़ा है। कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखो ना, मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरा एक वेक्टर है, लेट अस से इसका मैग्नीट्यूड 3 है वेक्टर ए का, और इसका मैग्नीट्यूड 4 है किसका, वेक्टर बी का, तो जो रिजल्टेंट बनेगा ना, पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करते हैं, मुझे बताओ इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 5 होगा, लेकिन क्या तुम ये इजीली बता सकते हो मुझे कि ये एंगल बड़ा होगा कि ये एंगल बड़ा होगा? क्यों पूछ रहा हूं मैं इससे, देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, रिजल्टेंट इज मोर टूवर्ड्स द लार्जर वेक्टर, मतलब जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना, रिजल्टेंट ज्यादा उसके पास जाने की कोशिश करेगा। फिर से, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा दोनों में से, कौन दोनों में से, जिसको तुमने ऐड किया, रिजल्टेंट ज्यादा उसके पास चला जाएगा, ऐसा होगा। कैसे, देखो यहाँ तो 3 और 4 है, तुम नहीं पकड़ पा रहे, मैं बिल्कुल एक एक्सट्रीम केस बनाता हूँ। मान लो एक वेक्टर इतना छोटा है और दूसरा इतना बड़ा है, ठीक है, अब तुम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें रिजल्टेंट बनाऊँ ना, तो वो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये बताना बहुत आसान है कि कौन सा वेक्टर के ज़्यादा पास है रिजल्टेंट। अगर मैं इसको वेक्टर ए बोलूँ और इसको वेक्टर बी बोलूँ और ये वेक्टर सी है जिसका रिजल्टेंट आर है, तो ये मुझे मालूम है कि अगर इस एंगल को लेट अस से मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ और इस एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो क्या यहाँ से रिजल्ट मिला, तुम मुझे बताओ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए का मैग्नीट्यूड? मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा ना, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए का मैग्नीट्यूड, देयरफॉर क्या हुआ बताओ, बीटा इज लेस देन अल्फा, है ना। ये बात डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है ना कि ये एंगल छोटा होगा और ये बड़ा, मतलब अगर ये एंगल छोटा हो गया, मतलब रिजल्टेंट ज़्यादा पास है ना बी के, जिसके ज़्यादा पास होगा उसका एंगल उतना छोटा बनेगा, ठीक है। या फिर सिंपल टर्म्स में, रिजल्टेंट इज मोर टूवर्ड्स द लार्जर वेक्टर, मतलब ज़्यादा बड़े वाले वेक्टर की तरफ झुका हुआ होगा रिजल्टेंट हमेशा। तो यहाँ पे भी अगर तुम्हें बात पकड़ में नहीं आ रही, तो अब तुम बता सकते हो मुझे ना कि ये ज़्यादा किसकी तरफ झुका हुआ है, ये 4 की तरफ ज़्यादा झुका होगा। क्लियर है सभी को ये? अच्छा, बराबर कब झुका रहेगा दोनों की तरफ, बोलो बराबर कब झुका रहेगा दोनों की तरफ, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि उस केस में जो पैरेललोग्राम है ना, ये बिल्कुल स्क्वायर का शेप ले लेगा। अगर ये ए और बी का मैग्नीट्यूड मैंने सेम रख दिया ना, तो ये शेप बिल्कुल स्क्वायर बनेगा ना। तो उस केस में अगर ए और बी सेम है, मान लो ए का मैग्नीट्यूड भी 5 है और बी का मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो ये पूरा ऐसा स्क्वायर बनेगा ना शेप, और उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। बट बाकी केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा तभी होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। तो बाकी केस में क्या होगा, जो यहाँ लिखा है, रिजल्टेंट इज मोर टूवर्ड्स लार्जर वेक्टर, या फिर रिजल्टेंट ऑलवेज मेक्स स्मॉलर एंगल विथ लार्जर वेक्टर, बड़े वाले वेक्टर से हमेशा वो छोटा एंगल बनाएगा। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन बीटा इज लेस देन अल्फा, ये स्टेटमेंट तुम इस डायग्राम के साथ लिख लेना। समझ आया? यहाँ पे मैंने तुम्हें जस्ट ये समझाया कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ बात पकड़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। क्लियर सभी को ये? अब ये क्या चीज़ है तुम्हारा, अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो इसमें तुम क्या बनाओगे, इफ ए का मैग्नीट्यूड सेम एज बी का मैग्नीट्यूड, देन या देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा
इक्वल टू कितना 45 डिग्री। बाकी में कितना होगा वो हम निकालेंगे है ना। जैसे यहाँ पे एंगल कितना होगा तुम याद करो, ए की जगह पी था फर्स्ट लेक्चर में, और रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल कैसे निकालते थे, वो फॉर्मूला था ना हमारे पास, ठीक है। तो पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, बट उसमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला था हम इससे ज़्यादा अच्छा तरीका सीखेंगे, क्लियर। यहाँ पर तो इनफैक्ट ये अल्फा निकालने का बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मुझे बताओ क्या मैं टेन अल्फा इक्वल टू, अगर मैं अगर ये लेंथ बी के बराबर है तो ये वाला लेंथ भी बी होगा ना, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बोलो बन गया ना। तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब बी बाई ए, यहाँ तो बहुत आसान है, समझ आया सभी को ये फॉर्मूला किधर से आया। अब तुम क्या करोगे आज, ये तो तुमने समझ में आ गया सभी को ये कब एंगल छोटा होगा कब बड़ा, तो जस्ट ये तुम्हारा एक क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन जो मैंने तुम्हें इस टेन अल्फा का फॉर्मूला लिखाया था याद करो, उसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 है, तुम उस फॉर्मूले में थीटा 90 डालना, तुम देखना यही फॉर्मूला बनेगा, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला बनेगा। ये क्या बना, ये क्यू बाई पी बना ना, ये बी बाई ए, दिस बाई दिस, ये किसके इसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए, वहाँ रिजल्टेंट और वेक्टर पी के बीच का निकाल रहे थे। तुम उसमें क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 90 डालोगे, तुम देखना यही सेम टू सेम तुम्हारा डायग्राम बनेगा, समझ आई बात, डायग्राम बनेगा और यही सेम टू सेम तुम्हारा फॉर्मूला आएगा किसके लिए, इफ थीटा इज 90 डिग्री। यहाँ थीटा क्या है, जब भी फॉर्मूला लिखो सारे टर्म ब्रैकेट में होने चाहिए ना, मैंने बताया था। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब खुद से आदत डालो है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, क्लियर सभी को ये चीज। तो ये तुम्हारा अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो ये सारे के, सर आपने 90 डिग्री को इतना क्यों डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम सिलेबस में बढ़ेंगे तुम्हें ये रियलाइज होगा कि दो वेक्टर जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं उसी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चंस भी हमें डील करना है, क्लियर सभी को। तो इस पेज में तुमने क्या क्या सीखा, तुमने ये सीखा कि अगर कोई वेक्टर बड़ा है और हम उसको पैरेललोग्राम लॉ की तरह बना रहे हैं, है ना, और अगर दोनों 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा, बड़े वेक्टर की तरफ। एंगल किससे छोटा बनेगा, जिसकी तरफ ज़्यादा रिजल्टेंट हो गया उसकी तरफ एंगल छोटा हो गया। दूसरा तुमने क्या सीखा, रिजल्टेंट का एक वेक्टर से एंगल कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस से। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 ही होगा, क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो अपने को कवर करनी थी। और देखो एक टॉपिक अपने को, अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर से थोड़ा आगे बढ़े ना, जो एडिशन ऑफ वेक्टर था तुम्हारा इसमें अपने को थोड़ा सा पार्ट और कवर करना है, बट उसके पहले ना तुम्हें ये एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तुम किसी वेक्टर को किसी एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल नंबर मतलब स्केलर, ठीक है, मास कैसा क्वांटिटी था, मास एक स्केलर क्वांटिटी था, जब तुम मास को मल्टीप्लाई करोगे किसी ऐसे चीज़ से जो कि वेक्टर होगा, जैसे मास इंटू वेलोसिटी करोगे, याद करो वेलोसिटी वेक्टर था, तो उससे वेलोसिटी वेक्टर और मास को मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसा कुछ एग्जांपल अपने को भी समझना है। अभी तुम मास और वेलोसिटी वेक्टर को भूल जाओ, बस ये समझो कि जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उसमें से एक क्या है वेक्टर और एक क्या है स्केलर। सबसे पहला पॉइंट, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव स्केलर, मतलब जो नंबर हो जिससे तुम मल्टीप्लाई करो वो पॉजिटिव है। अब सिर्फ नंबर है, वेक्टर तो दिशा बदलता ही है, बट नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं ना, अगर वो कह रहा है वो नंबर पॉजिटिव है, देन ओनली देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। क्या बोल गया सर ये, पहला पॉइंट, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, लेट अस से इसका मैग्नीट्यूड 5 है, क्लियर। अगर मैं वेक्टर ए को है ना, ये चीज क्या बनाई मैंने, ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, तो मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम मुझे बताओ कि 2a वेक्टर कैसा दिखेगा। क्या मैंने एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या ये पॉजिटिव स्केलर है, हाँ है, पहला पॉइंट है ना पॉजिटिव स्केलर। तो वो कह रहा है कि ओनली देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस,
इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ये जो 2a वेक्टर बनेगा ये इसी दिशा में बनेगा, है ना, ये 2a वेक्टर कहलाएगा और इसका मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। समझ आई बात? सेकेंड पॉइंट, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव स्केलर देन देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस, मतलब जितने से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना तो चेंज होगा मैग्नीट्यूड, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो और उसकी दिशा भी पलट जाएगी। अगर ये वेक्टर ए है ना, तो मुझे ड्रॉ करना है लेटस से वेक्टर -3a। क्या ड्रॉ करना है तुम्हें? -3a। तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड 5 है तो -3a का मैग्नीट्यूड 15 हो जाएगा, लेकिन है ना यही वेक्टर है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये -3a वेक्टर उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? 15। समझ आई बात तुम्हें? अब इसका एक स्पेशल केस है, थर्ड वाला स्पेशल केस, जब स्केलर की वैल्यू -1 हो, मतलब स्केलर नेगेटिव तो है ही बट उसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, मैग्नीट्यूड मतलब -1 का मैग्नीट्यूड और -1 का मैग्नीट्यूड कितना? 1। उस केस में क्या होगा बताओ मुझे? सिंपल है ना, अगर ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है तो स्केलर जिससे तू मल्टीप्लाई करो -1 है, -1 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, वो कैसा दिखाई देगा? तुमने क्योंकि -1 से ही मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा लेकिन दिशा बदल जाएगी ना, मैग्नीट्यूड अभी भी 5 रहेगा। इसका मतलब अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव करते हैं, सीधी बात -1 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, तुमने नेगेटिव किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन वैसे पूरा 180 डिग्री का पलटी मार देगा। समझ आई बात? तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। ये होता है किसी एक वेक्टर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। मतलब अब मैं तुम्हें अगर वेक्टर ए दे दूं तो तुम वेक्टर 2a, वेक्टर 3a, वेक्टर -5a, वेक्टर 7a, इतना ही क्यों? पॉजिटिव स्केलर, मान लो एक केस और देखता हूँ मैं तुम्हें ना, एक एग्जांपल, अगर वो वेक्टर ए है ना तो तुम्हें ड्रॉ करना है मान लो वेक्टर ए बाई 5। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये मैंने वेक्टर ए को 1/5 से मल्टीप्लाई किया? 1/5 भी तो एक नंबर ही है ना, पॉजिटिव है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड हो जाएगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब अगर वेक्टर ए वैसा है तो 1/5 ए कैसा हो जाएगा? ऐसा। इसको मैं क्या बोलूँगा? ये वेक्टर ए बाई 5 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/5/5, 1। समझ आई बात? तो जितना टाइम्स तुम उसको मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, बोलने का तरीका क्या है कि तुमने मल्टीप्लाई किया कितने से? 1/5 से, एक ही बात होगी ना, 5 से डिवाइड करें या 1/5 से मल्टीप्लाई करें। तो ये है तुम्हारी स्टोरी, है ना, कि कैसे हम वेक्टर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर के साथ क्या होता है, दिशा कब उलटती है? जब तुम नेगेटिव से करो, 1 से बड़े नेगेटिव से करो तभी भी उल्टा दिशा पलट जाएगी, 1 वाले -1 से करो तो भी पलटेगी। -1 में खास बात क्या है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ वेक्टर एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। समझ आया? क्लियर सभी को ये चीज? अब ये तुम्हारा वेक्टर का कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा जो एडिशन ऑफ वेक्टर वाली बात और बची है वो हम करेंगे, फिर हम इस पे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें ताकि तुम समझ जाए कि ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या हुआ, है ना, ये वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं इससे हमें एग्जाम में कैसे हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।